के साथ जहां आज पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड होने वाला है। 100वें एपिसोड के प्रसारण पर मेगा आयोजन का कार्यक्रम किया गया है। एमपी में 25,000 से ज्यादा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम स्थलों पर मन की बात सुनेंगे बीजेपी नेता। गोविंदपुरा विधानसभा के कार्यक्रम में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। कार्यक्रम में 5,000 महिलाएं मौजूद रहने वाली हैं। बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भव्य स्तर पर पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड जो है उसके कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खुद गोविंदपुरा विधानसभा में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे और कार्यक्रम में 5,000 महिलाएं मौजूद रहेंगी। बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर भोपाल से बता रहे हैं, जहां आज पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड आने वाला है, जिसके चलते देश भर के हर राज्य में बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड, देखिए तस्वीरें। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल से, जहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब से एक घंटे बाद पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा, जिसके चलते हर कोई बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। यानी कि बूथ स्तर तक के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मन की बात 100 के लिए सुबह 11 बजे ऑन करें। ये वास्तव में एक विशेष यात्रा रही है, जिसमें हमने भारत के लोगों की सामूहिक भावना का जश्न मनाया है और प्रत्येक जीवन यात्राओं पर प्रकाश डाला है। ये पीएम मोदी की ओर से ट्वीट यहाँ पर किया गया है। मन की बात 100 एपिसोड के लिए पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसके लिए बात कही। अगर बात एमपी की करें तो बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 5,000 महिलाएं मौजूद रहने वाली हैं और हर कोई आज पीएम मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने के लिए खासा उत्साहित है। भोपाल से मेरी सहयोगी मितांशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मितांशी, अब से एक घंटे बाद पीएम मोदी की मन की बात का 100वें एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा, इस समय कैसा माहौल है कार्यक्रम स्थल पर? बिल्कुल, देखिए अगर अलीशा मैं बात करूं तो मैं फिलहाल राजभवन में मौजूद हूं और आज का मौका इसलिए भी खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां संस्करण जो है वो प्रसारित किया जाने वाला है। 100 एपिसोड्स पूरे हो रहे हैं और मैं जहां पर मौजूद हूं वहां पर मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जिक्र किया, यानी मध्य प्रदेश की ऐसी हस्तियाँ जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जिक्र किया, उनके कुछ ऐसे काम थे जो कि उन्होंने तारीफ में जो है प्रधानमंत्री ने मोदी ने बात कही। फिलहाल देखिए यहाँ पर आप कुछ जितने भी लोग दिख रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसा वो मौका था जब प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र किया था मन की बात के दौरान। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, प्रधानमंत्री ने जब जिक्र किया आपके काम के बारे में मन की बात में, आपका जिक्र हुआ है मन की बात आपके आपका जिक्र हुआ है मन की बात में, आपका भी नहीं हुआ है? क्योंकि देखिए यहाँ पर कई लोग ऐसे मौजूद हैं। यहाँ पर मंजू मंडलोई जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, जानना चाहूँगी, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है आपके काम का, क्या चीज़ थी वो जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने आपका जो है अपनी मन की बात में जिक्र किया? एक्चुअली मैम, 1976 से मैं एनजीओ ग्रामीण क्षेत्र में और स्लम एरिया में मैं रन करती हूँ और काफ़ी हम लोग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी काम करते हैं, महिलाओं के एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम करते हैं, महिलाओं का अधिकार के लिए काम करते हैं, तकरीबन काम करते हैं। तो उस समय हमारा एक महिलाओं का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, तो कुछ महिलाएं हैं जो डेली लेट आती थी, मेरा विजिट हर एक दिन छोड़ के मेरा होता था। मैंने जब 2-3 बार देखा कि मैं जब भी पहुंचूं जो महिलाएं लेट आने वाली वो समय पर आ रही है, मैंने कहा क्या बात है मनोरमा, आजकल तो आप लोग बड़ा समय पर आ रहे हैं। अरे मैम, आपको मालूम है हमें तो मोदी जी ने गैस भी दिया और चूल्हा भी दिया, काम फटाफट होता है, घर की साफ सफाई बहुत अच्छी हो जाती है और हम इतनी जल्दी काम कर लेते हैं। मतलब उनके जो चेहरे की जो प्रसन्नता थी वो बिल्कुल देखे नहीं बनती थी। ये एक पहला वाक्य था और चूंकि ये महिलाओं के लिए अगर गैस का चूल्हा हुआ या रसोई हुआ या रसोई का राशन हुआ, ये मतलब महिलाओं की नब्ज होती है जिससे अपने परिवार को वो खुश रखती है, प्रसन्न रखती है। ये वाक्य मतलब मैं आपको उस महिला के जो चेहरे पे जो हंसी थी, मैं आपको
मतलब अपने बातों से बता नहीं पाती हूँ, इतनी खुश थी। क्योंकि हमारा शुरू से उद्देश्य रहा, क्योंकि मैं मात्र मेरा 16 या 17 साल की थी, तब से मैंने अपना सामाजिक सेवा का काम शुरू कर दिया था। और उसके बाद में मेरा मेन उद्देश्य था, क्योंकि गाँव में ही हमारी आत्मा बसती है, तो मैं कैसे गाँव का विकास करूँ, गाँव पर ध्यान दूँ, स्लम एरिया में मैं काम करूँ, तो मेरे लिए वो पहला गाँव था। और उसके बाद में हम लोग उस गांव को हमने मॉडल विलेज बनाया। कई प्रकार की जो योजना है माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की थी, वहाँ घर घर पहुंची है। इसमें मैम सबसे बड़ी बात क्या है कि मोदी जी के जितने भी प्रोजेक्ट है वहाँ कोई करप्शन वाली बात नहीं है, ना वहाँ सरपंच बीच में आता, ना पंच बीच में आता, डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास आता है। सबसे मोटी बात है कि चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, चिकित्सा में जो मेडिकल की व्यवस्था सारी महिलाओं को मिल रही है, वो मतलब मैं कौन कौन सी योजनाएं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे देशवासियों को दी है, मतलब अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने आपने जैसे बताया कि काफ़ी इस तरीके के काम किए हैं, और यही जो है जिक्र सभी जगह पर किया जा रहा है। और भी यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या प्रधानमंत्री ने आपके बारे में भी जिक्र किया है मन की बात में, आपके काम के बारे में? हाँ जी, आज मन की बात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जिक्र किया है। इससे पूर्व हमें अभी पद्मश्री वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में दिया गया था, इसके लिए हमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज यह मन की बात कार्यक्रम में बुलाया, इससे हमारे अनुसूचित जाति वर्ग में भी काफ़ी खुशी की लहर है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम हम दूर दराज झाबुआ जिला जो गुजरात बॉर्डर पर है वहाँ से हमें बुलाया गया, हमें काफ़ी खुशी है और बहुत अच्छा। पद्मश्री मिला हुआ है, और पद्मश्री मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने अगर प्रधानमंत्री भी इस तरह के काम कर रहे हैं, आज आपको यहाँ पर सम्मान भी मिलने वाला है, क्या लगता है कि मन की बात से कैसे ऊर्जा का संचार हो रहा है लोगों के बीच? मन की बात के कार्यक्रम के बाद हमारे झाबुआ शहर में भी अनुसूचित जाति वर्ग में भी काफ़ी खुशी की लहर है और हमें और आगे बढ़ने का मौका है। वैसे भी हमारे इससे पूर्व हम लोग अभी 35 वर्ष से आदिवासी गुड़िया हस्तशिल्प का कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें सम्मान नहीं मिला था। वर्तमान में हमारी सरकार ने हमें 35 साल से हम काम कर रहे हैं और हमें वर्तमान में इसी कार्य को लेकर पद्मश्री से सम्मानित किया और मन की बात कार्यक्रम में बुलाया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम हमारे मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की ये वो हस्तियां हैं जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है, और यही जो है मध्य प्रदेश को खास बनाता है, और जनजाति को मध्यप्रदेश पद्मश्री मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। मेरे साथ किताबों वाली दीदी मौजूद हैं, उषा दुबे सिंगरौली से हैं। काफ़ी ज़्यादा सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इनको लेकर की है, जानना चाहेंगे। दीदी, आपसे जानना चाहूँगी, जब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया मन की बात में, कैसा लगा उस वक्त, क्योंकि पूरा देश दुनिया आपके नाम को सुन रही थी, आपके नाम के चर्चे थे? मैंने जब मुझे पता चला कि मन की बात कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा नाम लिया तो मुझे बहुत खुशी हुई, और वो मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय दिन था। और जब देश के मुखिया ने स्वयं मेरे कार्यों के बारे में मन की बात कार्यक्रम में पूरे देश को बताया तो खुशी तो हुई ही, साथ साथ मुझे लगता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य करने की जो हमारा उत्साह है वो कई गुना बढ़ गया है। कैसे आपको ये ख्याल आया कि बच्चों को लॉकडाउन में बच्चे जो हैं पढ़ाई से दूर ना हो जाए, किताबों से दूर ना हो जाए, आपने एक मोबाइल पुस्तकालय की शुरुआत की उसके बाद? देखिए, COVID-19 जब आया हमारे देश में तो पूरा लॉकडाउन लग गया था, हमारे स्कूल बंद हो गई थी, ऐसे में बच्चे अपने घरों में थे और हम सब कोविड की खबरों को देख करके निराश थे। तो मुझे लगा कि जब हमारे देश के जो है डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सभी अपने कर्तव्य को निभा रहे, कोई भी काम रुका नहीं है, तो क्यों हम एक शिक्षक होने के नाते घर में बैठे रहें, हम बच्चों तक पहुँचे, हम कुछ करें। और हमारा शिक्षा विभाग जो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग है, उनके द्वारा भी कई तरह के निर्देश दिए जा रहे थे बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, ऐसे मुझे लगा कि बच्चों के पास मैं किताबें लेके पहुंचती हूं, क्योंकि किताबें एक ऐसी माध्यम है जो ज्ञान के साथ साथ बच्चों के जीवन को भी निखारती हैं। और मन की बात कार्यक्रम में तो प्रधानमंत्री मोदी जी सदैव लोगों को पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो मेरा ये काम अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो है लगातार
विकास को लेकर जो है अगर हम बात करें जन सहयोग के साथ मन की बात का कार्यक्रम है। मैम आपसे जानना चाहूंगी, मन की बात का आज कार्यक्रम है और लगातार जन सहयोग के साथ आगे बढ़ा है, लोगों का जिक्र हुआ है, आम लोगों का जिक्र हुआ है, कैसे देखती हैं इस पूरे कार्यक्रम? इसमें जो छोटे से स्तर से भी काम किए जा रहे हैं उनको भी माननीय प्रधानमंत्री जी सराहना करते, तो ये बहुत बड़ी बात है कि छोटी से छोटी बात की भी उन्हें ध्यान रहती है। और मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से बबीता राजपूत हूँ और मैं महिलाओं के साथ में जल संरक्षण के लिए कार्य करती हूँ, और जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात में नाम लिया। उसके बाद में जो लोग सपोर्ट नहीं करते थे वो लोग भी सपोर्ट करने लगे और उन लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा और महिलाओं के साथ में काम करने के लिए और ज्यादा उत्साह और प्रोत्साहन। अच्छे से याद है जब आपके बारे में जिक्र हुआ था मन की बात में तो प्रधानमंत्री ने खासकर दबाव देकर बोला था कि हमें बुरहानपुर से सीखना चाहिए, वहाँ की महिलाओं से सीखना चाहिए कि संरक्षण कैसे किया जा सकता है, छतरपुर से कैसे संरक्षण किया जा सकता है। कैसा लगा था उस वक्त, क्योंकि देखिए आप जिस काम को लेकर लगातार प्रयास कर रही थी वो देश विदेश में लोग उसके बारे में, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ की तस्वीर दिखाने के लिए।